नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी टंक राम वर्मा पहुंचे तिलदा नेवरा, कांग्रेस पर लगाया आरोप। बालौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी टंकराम वर्मा ने तिलदा नेवरा पहुंचकर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीती रात्रि कुछ कांग्रेसी उनके पैतृक निवास बालौदा बाजार के ग्राम चांपा में आकर घर का दरवाजा तोड़ दिए व एक निजी चार पहिया वाहन को ड्राइवर सहित ले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों द्वारा काफी दादागिरी की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। देखिए दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी टंकराम वर्मा आज तिलदा नेवरा में बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपने तिलदा नेवरा के बूथों का निरीक्षण किया है, क्या कुछ लग रहा है? हाँ, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग भाजपा के सरकार बनाने के लिए लालायित हैं। एक बार फिर से देखना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और छत्तीसगढ़ की विकास की गति आगे बढ़े। पता चला है कि बीती रात्रि आप पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये असामाजिक तत्व नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो 20-25 की संख्या में 2-2.5 बजे रात को मेरे पैतृक निवास चांपा में ये लोग सब पहुँचे, उपद्रव करते हुए, गाली गलौज करते हुए फाटक को बहुत खटखटाए, धक्का मारे और उनने फाटक को तोड़ दिए और गाली गलौज करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। परिवार के लोग डर गए, बहुत बड़ी संख्या में थे वो लोग। आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है कहीं पे? इनकी शिकायत तो रात में कलेक्टर को ही मोबाइल से किया, फिर एसपी को किया, हमारे भाजपा के कुछ नेताओं को किया, फिर कलेक्टर साहब के निर्देश से फिर पलारी थाना के स्टाफ आए, तब तक वो लोग चले गए थे। जब गए तो लोग हमारे ड्राइवर को और हमारी गाड़ी को भी ले गए, जो गाड़ी किराए पर थी, वो चुनाव कार्य में नहीं लगा था, घरेलू कार्य के लिए लगा था, अपने साथ ले गए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।